कि पता है आपको कि गाड़ी तो मेरी 40,000 चल गई है, लेकिन मेरा आज तक का अनुभव है कि एक बाइक है तो 2,000 किलोमीटर पे वो सर्विस खोजती है, तो उसका मेंटेनेंस और इसका मेंटेनेंस मिला लीजिए। ये चीज दिखा रहा था कि जो आपकी ये रियर सीट थी ना, फोल्ड होके इस तरह से आ जाती है, और यहाँ पे देख रहे हो आप स्पेस, अगर ये दोनों अभी प्रॉपर सीटिंग है, इसके बाद भी इतना स्पेस है गाइस, जैसे बुलेरो वगैरह में बैठने के बाद ना दरवाजा बिल्कुल पास पे होता है, इसमें काफी दूर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है कुछ नए तरीके से, और गेस करो कि आज मैं किस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, कौन सी गाड़ी लग रही है आपको, देख के बताओ। तब तक मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, देख लो भाई, आधे से ज़्यादा लोग पहचान चुके होंगे जी हाँ ये कौन सी गाड़ी है, क्योंकि भाई हर दिलों पर राज करने वाली ये गाड़ी है। जी हाँ, स्कॉर्पियो। तो गाइज ये है गाड़ी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S7, और गाइज ये गाड़ी है 2019 मॉडल। सबसे पहले चलते हैं, इस गाड़ी का पूरा बाहर का लुक आपको दिखाता हूं, और उसके बाद पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलो गाइस देर ना करते हुए फटाफट से इस गाड़ी के कुछ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो S7, और ये है 2019 मॉडल गाड़ी। बाकी ये देख लो गाड़ी की कंडीशन क्या, 22 मतलब चमचमा रही है गाड़ी, कहीं से भी कोई डेंट वगैरह आज तक इस गाड़ी पे नहीं चली लगा है। और एक तरह से कह लो कि भाई ओनरशिप रिव्यू भी है, ऑलमोस्ट इस गाड़ी ने 40,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए, 40,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, और उस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन अभी भी मस्त बना हुआ है। हाँ जी गाइस, तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी टोटल चल चुकी है 41,884 किलोमीटर, लगभग 42,000 होने वाला है। और ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका मीटर कंसोल है, यहाँ पे ये देखो पूरा स्पीड वगैरह का मिल जाता है, इंजन लाइट वगैरह, जैसा कि ऑलमोस्ट भाई महिंद्रा की गाड़ियों में लगभग सब कुछ सेम ही होता है। और 41,884 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो गाइस जब बात करते हैं इस गाड़ी की मतलब इंजन कितने सीसी का है, तो इंजन 2200 सीसी का है, ठीक है, 2200 सीसी का इंजन इसका भी, उधर अपना कालू खड़ा उसका भी 2200 सीसी इंजन है, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही इंजन है, और एमहॉक इंजन है, जैसा कि महिंद्रा की सारी गाड़ियों में एमहॉक इंजन होता, काफ़ी रिफाइन इंजन है, और डीजल इंजन होने के बाद भी इसका आवाज़ काफ़ी स्मूथ है। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क है इसका 320 Nm का, और गाइस ये है BS4 इंजन, 120 BHP, ठीक है, और 320 Nm का टॉर्क है। और जैसा कि आपको पता है ये गाड़ी है BS4, तो इसमें यूरिया वगैरह नहीं पड़ता, सिर्फ आप डीजल डालो और गाड़ी चलती रहती है। और गाइस बात करते हैं इस गाड़ी के एवरेज के बारे में, तो हाईवे वगैरह पे 14-15 का एवरेज दे देती है, और सिटी में आप ड्राइव करते हो तो 12-13 का एवरेज आता है। पीछे से कुछ मधुर ध्वनि भी आ रही होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक। करते हैं कि इस गाड़ी पे क्या मेंटेनेंस वगैरह आता भाई, आप सर्विस सेंटर लेके जाओ, 4,000 से 5,000 में गाड़ी सर्विस हो जाती है, और 41,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, और आज तक इस गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मांगा है। तो जी हाँ गाइस, सस्पेंशन वगैरह बहुत तगड़ा, जैसा कि आपको पता है महिंद्रा की गाड़ियों का सस्पेंशन बहुत तगड़ा होता है, 1,00,000-2,00,000 तक इनके सस्पेंशन हिलते भी नहीं है, टोटली ऑफ रोडिंग गाड़ी ये भी कह सकते हो। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है, भले इस गाड़ी में 4x4 नहीं, लेकिन पूरे मजे 4x4 वाली देती है, ठीक है, कहीं भी निकल जाती, क्योंकि इंजन इसका काफ़ी हैवी है। तो ये सारी बातें हो गई इस गाड़ी के डिटेल के बारे में। अब जो आपको टायर वगैरह दिखा देता हूँ कि 41,000 चलने के बाद टायर वगैरह का क्या कंडीशन है। इधर आप देख सकते हो गाइस, इसमें टायर लगा है ब्रिजस्टोन का, ठीक है, और ये है 17 इंच का टायर, ठीक है, और टायर प्रोफाइल भी भाई बहुत तगड़ी स्कॉर्पियो की। अगर इसकी गिट्टी की बात करें तो अभी काफ़ी हद तक गिट्टी बची हुई है, और ऑलमोस्ट ये भी गाड़ी अभी से आप अगर देखो तो 25-30,000 किलोमीटर कहीं नहीं जाने वाला इसका टायर। अब गाइस बताते हैं गाड़ी मतलब भाई कितना ड्यूरेबल है, तो कैमरामैन जरा क्लोज आए, और ऐसे अगर हाथ से हम इस पर करते भी हैं कहीं, भाई सॉलिड है, सॉलिड बॉडी, इसका बम्पर वगैरह भी काफ़ी सॉलिड है। और गाइस बात करें इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की, तो 5-स्टार रेटिंग गाड़ी है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका ए पिलर कितना तगड़ा भाई, कितना मजबूत बना, ए पिलर हो गया, बी पिलर, सी पिलर तक भाई अगर देखना देखोगे गाड़ी में मजबूती भाई भर भर के है।
और इसका अगर दरवाजे वगैरह ये सब काफ़ी मजबूत है भाई, नो डाउट, बहुत तगड़ी गाड़ी है। और अब चलते गाड़ी के इंटीरियर में, थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ जी, सो गाइस जब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, भाई काफ़ी तगड़ा इंटीरियर है इस गाड़ी में। अभी इंटीरियर में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है, जो भी गाड़ी है स्टॉक गाड़ी है गाइस, और आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन 41-42 हज़ार चलने के बाद प्रॉपर है। जैसा कि लोग स्कॉर्पियो वाला हैंड रेस्ट अलग से लगा के देते हैं गाइस, ये देखो इसका हैंड रेस्ट बिल्कुल इसमें लगा लगाया था, काफ़ी फेमस है स्कॉर्पियो का हैंड रेस्ट। और स्टेयरिंग पे अगर दिखाऊँ गाइस, तो इस पर लोगो वही पुराना वाला महिंद्रा का, ठीक है, क्योंकि 2019 मॉडल है। बाकी एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ मिल जाता है, एक साइड में मिल जाता है। और बाकी ये गियर लीवर हो गया, ठीक है, 5 गियर है गाइस, रिवर्स के साथ 6 गियर, ये हैंड ब्रेक हो गया। बाकी इधर आपके म्यूजिक सिस्टम वगैरह हो गया, स्क्रीन इसमें है नहीं गाइस क्योंकि ये S7 है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भैया ने शायद कुछ एक अलग से स्क्रीन लगवाई है ये वाली ना। और ये हो गया भाई वही कार्ड होल्डर, ये वैनिटी मिरर, ठीक है। और बस कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा है एकदम, बिल्कुल ये USB का हो गया आपका चार्जिंग वगैरह के लिए, यहाँ भी लगा हुआ अलग से केबल। यहाँ पे कुछ आप एक थोड़ा सा रबड़ फिनिश में मिल जाता है, जहाँ पे आप सेल फोन वगैरह रख सकते हो, जिससे वो कहीं मूव नहीं करेगा। और सनग्लास होल्डर ये, अरे भाई गजब भैया, जो भी सनग्लास वगैरह लगाते हो यहाँ पे रख सकते हो, काफ़ी तगड़ी चीज़ है। और ये देखो अभी गाइस इस गाड़ी के पॉलीथीन वगैरह भी नहीं निकले हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी किस तरह से मेंटेन करके रखी गई है। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये है। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे, और जैसा कि मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और उसके बाद लेग स्पेस आप देख सकते हो गाड़ी में, ये सीट ऑलमोस्ट पीछे आई है आपके हाइट के हिसाब से ना। और ये सीट क्योंकि भैया चलाते हैं, भैया की हाइट अच्छी खासी है, उन्होंने पूरी पीछे कर रखी है। उसके बाद ये देखो स्पेस, लेग स्पेस काफ़ी तगड़ा है इस गाड़ी में। और ये सीट कवर वगैरह सब कंपनी फिटेड है, सब कुछ कंपनी फिटेड है गाइज। और अगर रियर सीट पे बात करूँ भाई, यहाँ भी AC वेंट्स लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ भी AC वेंट्स है, और यहाँ भी कुछ आपका फोल्डर या बॉटल होल्डर आप कह सकते हो लगा हुआ है, साइड में भी बॉटल होल्डर है। और इस तरह से पावर विंडो आपको हर दरवाजे पे मिल जाता है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी है, तो आप यहाँ भी पकड़ सकते हो। लाइट वगैरह भी भाई यहाँ पे दी गई है, ठीक है, रियर पे। फिर एक बैक सीट पे भी लाइट है, ठीक है, यहाँ से ऑफ ऑन ये हो जाता है, ठीक है, ये बीच में ही रहता है गाइज, क्योंकि जैसे ही दरवाजे क्लोज होंगे तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा गाइज। बाकी बैठने में कम्फर्ट की बात करूँ तो भाई पूरा थाई सपोर्ट मिल रहा है, आप यहाँ तक देख सकते हो, नहीं तो आप जैसे और गाड़ियों में बैठते हो ना तो इतना तक होता है सीट, बाकी लटका होता नीचे, तो कंफर्ट नहीं होता लॉन्ग ड्राइव में। बाकी यहाँ पे देख सकते हो थाई सपोर्ट प्रॉपर तरीके से दिया गया है। और गाइज एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, भाई साहब क्या चाहिए कि 12 वोल्ट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आप लगा भी सकते हो, आपका जो है मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब गाइज चलते हैं बिल्कुल पीछे बूट स्पेस में, जहाँ पे 2 सीटें और मिलेंगे। और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इस गाड़ी का, तगड़ी चीज़ जिससे ये गाड़ी पूरा बेड बन जाती है। सो गाइज ये चीज़ दिखाना था कि जो आपकी ये रियर सीट थी ना, फोल्ड होके इस तरह से आ जाती है, और यहाँ पे देख रहे हो आप स्पेस, अगर ये दोनों सीट भी मैं फोल्ड कर दूँ, प्रॉपर स्पेस है भाई, इसमें गद्दा डालो सो जाओ तसल्ली से, दो लोग तसल्ली से सोएं कोई दिक्कत नहीं। बाकी सिंगल पसली है गोलू जैसे जो भाई कैमरा मैन है, तो 3-3 लोग सो जाएँ, बाकी हम जैसे लोग तो 2 लोग बड़े आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ ये है, इन केस आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, जैसे कोई लेह लद्दाख वगैरह जाते हैं ट्रैवल करते हैं ना, तो भाई ज़्यादा सामान होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रिप आपका 10 से 15 दिन का हो जाता है, भाई भर दो पीछे तक, 2 लोग ट्रैवल करो भाई, क्या चाहिए, ज़बरदस्त गाड़ी है, ठीक है। और बाकी साउंड वगैरह म्यूजिक सिस्टम भी इसका सब कुछ स्टॉक है, बहुत तगड़ा है। सो गाइज अभी मैं चल रहा हूँ बूट स्पेस, जहाँ की मतलब सामान वगैरह लोग रखते हैं, बट स्कॉर्पियो जो है इसके साथ 2 जंप सीट देती है, ठीक है। जंप सीट कहने का मतलब हुआ कि भाई सामान वगैरह तो इसको यहाँ से फोल्ड कर दो, और एक क्लिप के थ्रू ये स्ट्रैप के थ्रू ये बांध देते हैं, ठीक है। बाकी अगर सामान वगैरह नहीं भाई बैठना है, जैसे फैमिली पूरी साथ जा रही, 7-8 लोग 10 लोग, तो ये तसल्ली से बैठ जाओ। और यहाँ भी प्रॉपर सीटिंग है, इसके बाद भी इतना स्पेस है गाइस, जैसे बुलेरो वगैरह में बैठने के बाद ना दरवाज़ा बिल्कुल पास में होता है, इसमें काफ़ी दूर है। और इनकेस हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कराएँ, और दूसरे साइड पे भी गाइज इस तरह से जंप सीट मिल जाती है, और दोनों जंप सीट को अगर खोल के 2 लोग यहाँ पे बैठे, तो प्रॉपर बैठ के दिखा देता हूँ लेग स्पेस वगैरह कैसा बनता। आ जाओ, कौन आएगा, ऑन करा,
गाइज इस तरह से देख सकते हो लेग स्पेस भी यहाँ प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे जगह इतना है, दो पैर इधर करो दो बीच में करो बैठ जाओ ठीक है। और उसके बाद अगर ये हाइट की बात करें, छत भाई काफी ऊंचा, मतलब मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ उसके बाद भी ये गैप देखो भाई ये ठीक है, क्योंकि आप बुलेरो वगैरह या वैसी गाड़ियों में अर्टिका वर्टिका में बैठते हो ना, ऐसे बैठते हो ऐसे के टक टक लड़ता रहेगा ये ठीक है। तो ये फायदा है इस गाड़ी का। बाकी रूफ वगैरह काफी नीट एंड क्लीन है अभी इस गाड़ी का, कहीं से कुछ भी ब्लैक व्लैक कुछ नहीं लगा भाई, तो काफी मेंटेन करके रखे है भैया। और लास्ट में अभी गाड़ी के ओनर से भी मिलवाऊंगा आपको ठीक है। और एक चीज और दिखाता हूँ गाइस, इधर देखो आप ये लिखा पुल टू ओपन, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। कई बार क्या होता गाइस कि जैसे वहां से आप ये फ्यूल का वो ओपन करते हो ना, कई बार नहीं खुलता फंस जाता, तो उस केस में इसको पुल करोगे तो ये खुल जाता है। अब देखो जैसे यहाँ से पुल करूंगा ये खुल गया, गजब इस तरह से हो जाता, कई बार अटक जाता है चाहे वहां से नहीं खुलता, तो आप यहाँ से पुल कर सकते हो, उस केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस कुल मिला जुला के ये था इस गाड़ी का रिव्यू। और पीछे यहाँ भी साउंड लगाने का दरवाजों में, भाई दरवाजों में साउंड बॉक्स लगे हैं, तगड़ा साउंड है। और इस तरह से इस गाड़ी का पूरा रिव्यू है गाइस कि 41-42 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी की कंडीशन अगर मैं बाहर से दिखाऊं भाई, कहीं से कोई डेंट नहीं है, कोई भी पेंट जो है चिप ऑफ नहीं है कि भाई कहीं से कोई पेंट निकल गया हो ऐसा कुछ, और बाहरी काम इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस गाड़ी में बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, तो आप देख सकते हो पीछे से प्रोफाइल देखो काफ़ी तगड़ी है भाई। सारा मतलब एक प्रोफाइल देखो इस गाड़ी का भाई, क्या ब्रॉड प्रोफाइल है। और सामने से अगर मैं इस तरह से अगर कवर करूं तो पूरा हाथ फैलाऊंगा तब ये गाड़ी पकड़ में आती है, इस तरह से आप देख सकते हो भाई काफी है। मतलब ये जो एक बल्कि लुक आता है इस गाड़ी का, अपने आप में ही अलग चीज है, आप देख सकते हो जबरदस्त। और सामने जो है स्कॉर्पियो की वेजिंग भी लगी है, और जैसा कि नंबर भी देख सकते हो आप 4008 नंबर भी काफी VIP है। और इस गाड़ी में देखो फॉग लैंप वगैरह तो थे नहीं, बाकी लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट हेलोजन लैंप हैं, बहुत तगड़े हैं। DRL है इसमें, बाकी इसमें DRL वगैरह भी दिए रखा गाइस, तो ये DRL भी जलते रहते हैं ठीक है। और हेलोजन है, तो हेलोजन की भाई आपको ही पता है कि रोशनी कैसी होती, बहुत तगड़ी है, जैसा कि फॉग वगैरह में चलाने के लिए काफ़ी तगड़ा होगा। साइड में देखो इंडिकेटर वगैरह भी दे रखे हैं, तो प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया है महिंद्रा के द्वारा। और एक तरह से आप कह लो तो ये भी ऑफ रोडिंग गाड़ी है, और मतलब ऑल टेरेन कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। जो है इस गाड़ी के ओनर से मिलवाता हूँ आपको फाइनली, तो ये रहे भैया आशुतोष भैया ठीक है, इनकी ये गाड़ी है और भैया ही ऑलमोस्ट इस गाड़ी को पूरा ड्राइव किए हैं, तो इनसे मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इनका है, तो ये पूरा अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएंगे कि इस गाड़ी में मतलब कितना कुछ आप परेशान हुए या कितना कुछ फ़ायदा हुआ लेके, मतलब कहीं फंसे आज तक या नहीं चलाते टाइम, लॉन्ग ट्रिप आपने कितनी कितनी मारी, कैसे चलाया, तो अभी भैया बताएंगे सब कुछ डिटेल में। जैसे कि पता है आपको कि गाड़ी तो मेरी 40,000 चल गई है जी, लेकिन मेरा आज तक का अनुभव है कि एक बाइक से भी कम का मेंटेनेंस इस गाड़ी की है। जैसा कि भैया खुद बता रहे हैं कि मेंटेनेंस इस गाड़ी का बहुत लो है गाइस, 4-5 हज़ार में सर्विस हो जाती, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा आज तक, तो ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है। आप मिला लीजिए ये 10,000 किलोमीटर 5,000 खर्च आया बिल्कुल, और एक बाइक है तो 2,000 किलोमीटर पे वो सर्विस खोजती है, तो उसका मेंटेनेंस और इसका मेंटेनेंस मिला लीजिए, और बाकी आज तक कहीं कोई इफ बट नहीं है। यह इतनी मस्कुलर गाड़ी है कि 12 बजे रात में अगर आपको अकेले चलना हो तो बिंदास चल सकते, बिल्कुल इसके अगल बगल हल्की फुल्की गाड़ियां तो ओवरटेक या आपके ऊपर कोई खतरा तो बन ही नहीं सकता। तो जैसा कि गाइज आपको पता है कि महिंद्रा की गाड़ियां ऐसी होती है ना माफिया गाड़ी जिनको बोलते हैं, माफिया की भाई अगर ये सड़क पे चल रही है ना तो इनके आगे पीछे कोई नहीं आता, ना कोई आपको डीपर मारता है, और जो जिसको इसने डीपर मार दिया ना भाई ऐसे साइड में, तो भाई ये तो आप सब रात में चलने में सबसे सुरक्षित गाड़ी, सुरक्षित चलिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्सपीरियंस है भैया का, भैया ने बताया, और आज तक गाड़ी ने इनको कहीं से कहीं भी धोखा नहीं दिया, नहीं दिया है। और 40-42 हज़ार किलोमीटर अपने आप में ही एक अलग बात होती है गाड़ी को ड्राइव करना। तो आगे अगर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि किस कंपनी की गाड़ी ने क्या करें, या उनके ऊपर है? हाँ उनके ऊपर है, मैंने मतलब तो यूज के हिसाब से मेरे दिल से तो महिंद्रा ही जी एक नंबर की गाड़ी है, इसलिए कि महिंद्रा ही इस देश के मिट्टी की खुशबू और इस अपने देश की मेड इन इंडिया वही बनाती है, बाकी लोग तो
भाई जी, इस तरह से भैया ने अपना रिव्यू शेयर किया, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और जिनको भी कोई क्वेश्चन हो भाई इससे रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वहाँ भी नहीं पूछ सकते तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अश्विनी राय के नाम से, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो इस गाड़ी के डिटेल के बारे में। तो भाई जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी भाई स्कॉर्पियो वगैरह लेना चाहते हैं अपना देख लेना, और भाई कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। तो सो गाइस, ये था पूरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी का, और जैसा कि मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, तो एक बार अगर समराइज कर दूँ सब कुछ, तो भाई लो बजट, लो मेंटेनेंस, ठीक है, एक बाइक के सर्विस कॉस्ट से थोड़ा सा आप ज़्यादा मिलाओगे ना तो एक गाड़ी सर्विस हो जाती है 4 से 5 हज़ार में, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके सस्पेंशन वगैरह भाई 1-1.5 लाख किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं देते, कोई इशू नहीं आता, और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बहुत तगड़ा है इस गाड़ी का। सिटी में ड्राइव करो, बाहर ड्राइव करो, हाईवे पर ड्राइव करो, कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी को लेके, और स्टेयरिंग वगैरह भी बहुत हल्का है। तो ये सब था इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है, ओनरशिप रिव्यू भी कह लो। और ये गाड़ी है महिंद्रा की S7, ठीक है, और 2019 मॉडल। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपको क्या करना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ऐसे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके कुछ नई बातों के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।